मीडियम में काम किया है, छोटे पर्दे पर, अब बड़े पर्दे पर है, क्या डिफरेंस महसूस करती है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों जगह सेम ही है, आप पर डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगा, एज अ बिजनेसमैन थे आप पहले, तो क्या आपको अट्रैक्ट किया फिल्म की तरफ, अगर कुछ बताया, और किरदार के बारे में थोड़ा सा बताया। एक्चुअली एक्टिंग मुझे बचपन से ही बहुत इंस्पायर करती थी, कहीं ना कहीं अगर मैं बिजनेस में भी एंटर हुआ तो बॉलीवुड को लेके ही एंटर हुआ था। मुझे एक दिन मुंबई आना था और आज मैं आपके सामने हूँ। और जहाँ तक करेक्टर की बात है, इसमें ये करेक्टर मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत मैच करता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि इसमें भी मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आई थिंक मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी ये करेक्टर निभाने में। इट्स अ गुड। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो? अभी मैंने इसके अलावा 4 फिल्म साइंस की है, और जिसमें कर्तव्य है एक, और बॉस डीके है, चक्रव्यूह है, और द लॉन्गेस्ट नाइट है। 4 फिल्म साइन की है, जो इसके बाद उनका रेगुलर बैक टू बैक शूट है। मैं रेगुलर शूट में रहूँगा 2019। होप सो कि चीज़ें अच्छी होंगी। सर, इन दिनों में वेब सीरीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफी अच्छा कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कुछ प्लान किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए? अगर आई हैव डन रिसेंटली वन फिल्म कॉल्ड गर्णिका फॉर एन ऐप कॉल्ड उल्लू, विच इज़ गेटिंग लॉन्च सून, वो किया है। और एक और फिल्म की है जिसका नाम अभी डिसाइड कर रहे हैं, विद शावर अली एंड खालिद सिद्दीकी, सो इट्स गोना बी आउट सून टू। एंड रेस्ट आई एम डूइंग म्यूजिक, मेकिंग म्यूजिक एंड डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। सो टुडे ओनली इन फैक्ट आई रिकॉर्डेड माई अपकमिंग ट्रैक सोलो, सो यस, म्यूजिक इज हैपनिंग इन माई लाइफ एंड दिस। आपका जो लास्ट एल्बम था उसको लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था लेकिन अप्रिशिएट किया गया। यस, कितने खुश हैं और क्या कहूं? आई एम वेरी हैप्पी, मैंने पहली बार ट्राई किया अपना सोलो गाना निकाला और उसको लोगों ने इतना पसंद किया। ट्रोलिंग इज ओके, इट डजंट मैटर, बट लोगों ने उसे देखा वो मैटर करता है, लोगों ने उसे पसंद किया वो मैटर करता है, एंड आई एम रियली हैप्पी। इट्स बीन लॉन्ग टाइम यू आर देयर इन द इंडस्ट्री, और अभी जो है मी टू कंट्रोवर्सी चल रही है, वो पुरानी हो गई है। हैव यू फेस एनीथिंग? वो पुरानी हो गई है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट? नो, आई डोंट वांट टू से। ओके सर, आप बताइए, मी टू कंट्रोवर्सी चल रही है? नहीं नहीं, वो सब पुराना है, मैं अभी नया हूं इस इंडस्ट्री में, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं 2019 में। मैं कहां फंसा रहे हो अभी? लड़का यहां पे आके बैठा है, मी टू डायरेक्ट। हां अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो अभी स्टार्ट करने दो यार। सारा, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जैसे आपने कहा कि वेब सीरीज भी आने वाली है? यस यस यस, आई एम माई सेल्फ मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म टू, जिसकी बहुत ही ब्यूटिफुल लव स्टोरी है, जो कि सून आएगी बाहर, और उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी इट्स इन द प्रोसेस। सी नाउ सिंस हमें अब स्क्रिप्ट मिलने वाली है, सो वी विल बी गेटिंग इन साइड द कैरेक्टर, एंड यस, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट इन टू अ कैरेक्टर, अगर आप उसको जीना शुरू कर देते हो तो आप ऑलरेडी घुस ही जाते हो उस कैरेक्टर पे, सो वी बिलीव इन लिविंग द कैरेक्टर, सो यस। सी अभी मैं पहली बार मिली हूँ इनको, बट ये केमिस्ट्री आपको ऐसे ही नहीं दिखेगी, ये बहुत फन हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी पहले बात भी नहीं हुई है, अभी डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, सो यस, इट विल बी फन, मजा आएगा। एक्चुअली मैं मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, तो मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एज अ मोटिवेशन, मैं लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू मैनेज द टाइम, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अब मैं एक नई इंडस्ट्री में एंटर होने वाला हूँ, और मैं 3-4 इंडस्ट्री में ऑलरेडी हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए अच्छा रहेगा, और आई लाइक इट, कि मुझे पसंद है कि मैं मल्टीपल काम करूँ। और सारा के बारे में मतलब क्या सुना था आपने? हाँ, मैंने इनके म्यूजिक, मैं टीवी तो नहीं देख पाया मगर मैंने म्यूजिक वीडियो देखे हैं इनके, शी इज़ ग्लैमरस। थैंक यू। म्यूजिक वीडियो देखा है, ये नोट करना भाई, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है, बिकॉज म्यूजिक इज वन इज माई पैशन इज एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग, सो आई एम थैंकफुल। थैंक यू। क्या बोलूँ, हाय, मैं हूँ सारा खान, और वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत बहुत प्यार आप सबको, होली भी, दिवाली, न्यू ईयर है, क्रिसमस,
धन रंगीला. अच्छा ओके ओके यस. हॉरर फिल्म है, मुझे हॉरर फिल्म बहुत पसंद है और बीइंग अ पार्ट ऑफ अ हॉरर फिल्म सो मैंने सोचा व्हाई नॉट. यस सी देर इज नथिंग विच इज स्मॉल, इट्स योर आईज. आप देखते हो क्या छोटा है क्या बड़ा है. एंड बीइंग एन एक्टर, अगर कुछ परफॉर्म करने के लिए आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है जहाँ पे यू आर रियली सैटिस्फाइड विद इट, सो व्हाई नॉट टू टेक इट अप. और यू नेवर नो, छोटी चीज़ कभी भी बड़ी हो सकती है. आई डोंट नो, लेट्स सी, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर लक एंड योर डेस्टिनी. जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कह देती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे. इट डजंट, डू यू थिंक इट इज? आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दैट. बहुत अच्छा रहा है एंड इट्स पास्ट. लेट्स टॉक अबाउट प्यार एक तरफा. जी हॉरर फिल्म है और बहुत अमेजिंग स्टोरी है, जब आप देखेंगे तो पता लगेगा, इससे ज़्यादा और नहीं बता सकती. थैंक यू सो मच.